यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद शासन प्रशासन दोनों ही एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा अपराधियों के खिलाफ जमकर अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वह पुलिस से मुठभेड़ हो या कोई बड़ी कार्रवाई। ऐसा ही मामला जनपद संभल से सामने आया, जहां जिला अधिकारी ने गोवध व अन्य गैर कानूनी काम कर रहे दो भाइयों की सालों से अर्जित की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि दोनों भाइयों ने महज 5 साल में 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदी थी। पुलिस ने बीते दिनों दोनों को गिरफ्तार किया था। बाद में छानबीन करके जिला अधिकारी के आदेश के बाद इस संपत्ति को पुलिस प्रशासन ने जब्त कर लिया। ये दोनों भाई गौ तस्करी और गैर कानूनी कार्य यूपी के कई जिलों में करते थे। दोनों भाइयों ने यूपी के कई जिलों में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। ये देखिए, यहाँ पर संभल कस्बे में गौकशी का एक बहुत बड़ा गैंग, जिसका गैंग लीडर फरहान पुत्र नसीम मोहल्ला तस्पुर है, इसके बदल गैंगस्टर की कार्रवाई की गई 14-1 के तहत। इसमें चूंकि ये बहुत लंबी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, 2009 से ये गौकशी के अपराध में ये और इसके सभी भाई लिप्त हैं, और इनके द्वारा जो अपराध से अर्जित संपत्ति है, जो कुल मिला के 6 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 2,58,00,000, और अगर प्रेजेंट सर्किल रेट से निकालें तो 1,07,00,000 के करीब प्रॉपर्टी बैठती है। ये 6 प्रॉपर्टी जिला मजिस्ट्रेट संभल के आदेश के तहत दिनांकित 28/9 को आदेश पारित किया गया, सीज हो गई है, और ये बड़ी कार्रवाई की गई है जो गौकशी से जुड़े अपराधी हैं और उनसे अर्जित संपत्ति के विरुद्ध। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।